stay loose, I stay hype. I stay loose, I stay hype. I stay loose, I stay hype. I could do this all night, cause I do what I like. Yeah, I do what I like. Yeah, I do what I like. Sipping goose, sip is right. And I go with the flow. Yeah, I go with the flow. Yeah, I go with the flow. Hello guys, welcome back to Limitless Rangers. मैं हूं समारा, ही इज राहुल एंड आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक सरप्राइज। द सरप्राइज इज हियर। इस कार को आपने कई बार देखा भी होगा, इसका परफॉर्मेंस भी सुना होगा, बट कभी इसका डिटेल्ड वीडियो नहीं देखा होगा। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू शेयर विद यू। एंड अगर आप आईएनडी ऑडियो के बारे में और जानना चाहते हैं, सो देयर इज अनदर वीडियो which you can go and watch on this channel, जिसमें हमने IND Audio का budget setup दिया था, but this is a blast. Yes, it is a SPL setup. पुरानी वीडियो देखने के लिए आई बटन में या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि क्रेटा के SQ सेटअप की वीडियो डाली हुई है ऑलरेडी। Without any delay, let's welcome Mr. Lokesh Kataria. Lokesh भाई, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। Hello everyone. So आज Lokesh भाई ही हमें इस कार के बारे में बताने वाले हैं, जो कि लीवा, और मैं अगर गलत नहीं हूँ, it is the loudest लीवा in India. तो Lokesh भाई, हम इस लीवा में क्या क्या बिल्ड किया हुआ है म्यूजिक सिस्टम में? म्यूजिक सिस्टम में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया की जो फर्स्ट सिक्स ऑर्डर वोल्ट सेटअप जो बना है, वो इसी गाड़ी में बना है। इसमें बात करें तो दोनों डोर्स पे हमने फाइबिंग की हुई है प्रॉपर, और थ्री पेयर्स मिड रेंज लगे हैं आईएनडी ऑडियो के 8 इंच में। दो पेयर रॉकफोर्ड के पंच प्रो ट्विटर्स है, बुलेट ट्विटर्स, जो कि सेपरेट एम्पलीफायर से रन हो रहे हैं, और मिड रेंज सेपरेट एम्पलीफायर से रन हो रहे हैं। 80 PRS पॉइनर का इसमें हेड यूनिट है। और अभी ये वॉल सेटअप की बात करूँ तो इसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। ये सिक्स ऑर्डर बैंड पास एंक्लोजर है, जिसमें 215 इंच के सबवूफर्स लगे हुए हैं, जिसकी ट्यूनिंग राइट अराउंड 29 हर्ट्ज टू 55 हर्ट्ज के अराउंड है। और अगर इसकी डीबी की बात करूँ तो मैक्सिमम डीबी इस कार ने कितना अचीव किया है? इसमें डेसिबल्स जो हमने अभी अचीव किया है, वो अगर हम देखें तो 154.5 डीबी ऑन डैश इसमें अभी हमने अचीव किया है। तो सबवूफर तो मुझे लगता है दिख नहीं सकते हैं। नहीं, सबवूफर नहीं दिख सकते, सिक्स्थ ऑर्डर में अंदर की तरफ रहते हैं। बिल्कुल। तो ये सिक्स्थ ऑर्डर अगर इसकी बात करो तो ये पीछे सारा ही सीट हटा के इसमें सिक्स्थ ऑर्डर बनाया हुआ है। पीछे हमने ये JBL का एम्पलीफायर लगाया हुआ है, जो मिड रेंज रन हो रेंज से। इसमें वायरिंग अगर देखी जाए तो वायरिंग कितने एमएम की और कितने गेज की है? ये 4 गेज पावर वायर है इसकी, और ये कस्टम मेड RC है, मतलब इसमें टोटल जो RC लगी हुई है कस्टम मेड लगी हुई है। बुलेट ट्विटर्स का जो एम्पलीफायर है वो सीट के नीचे, वो 7,500 का ये एम्प है RMS का। और अभी मैंने एक और ऐड किया है टेस्टिंग के लिए, तो DB कितना अचीव हम कर सकते हैं वो हम टेस्ट करेंगे, उसकी भी वीडियो में डालूंगा। ये है हमारा लिथियम बैंक, तो इसके बारे में प्लीज कुछ बताइए। ये लिथियम बैंक है 6AH का, इसमें 20 बैंक लगे हुए हैं, दोनों 10 और 10 20 लगे हुए हैं। तो लिथियम बैंक तो आपको पता ही है कि AGM के मुकाबले मतलब 3-4 गुना अच्छा ही होता है बैकअप में मामले में। राइट, बैकअप में भी और वेट में भी कंपेयर करोगे अगर AGM से, बैटरीज से, तो लिथियम बैंक इज ऑलवेज सुपीरियर। यहाँ भी लेफ्ट डोर के लिए सेपरेट एम्पलीफायर है JBL का ही। JBL की ये सीरीज मेरे को अभी तक की सबसे बेस्ट सीरीज लगती है। बहुत ज़्यादा है RMS पावर और क्रिस्टल क्लियर साउंड क्वालिटी देता है। हाँ, literally. क्योंकि ये क्लास AB एम्पलीफायर है, और सेम लेफ्ट डोर में भी ये 3 मिड रेंज स्पीकर्स हैं 8 इंच के, और 2 पे वो रॉकफोर्ड बुलेट ट्विटर्स। कार के ऑडियो कंपोनेंट्स आई होप आपको अच्छे लगे हो। अब हम सुनते हैं कार का मिड रेंज। Zone,
That was amazing, guys. It was absolutely mind-blasting. अब मैं जा रही हूँ कोम करने. I'll see you in the next shot. ये थी IND Audio की डेमो कार की परफॉर्मेंस. It is literally amazing. मतलब बहुत ही कम ऐसी कार होती हैं जिनमें जो इस तरह की होती हैं और ऐसा सेटअप उनमें होता है. लेकिन उसके बावजूद भी लोकेश भाई इसमें फ्लेक्स उतना नहीं. ये एक मिथ है कि ज्यादा फ्लेक्स से ज्यादा आउटपुट आपको मिलेगा. अच्छा, हम जितना फ्लेक्स को कंट्रोल करेंगे उतना ही ज्यादा बेटर आउटपुट हमें मिलेगा. ओके, लेकिन इसमें ऐसा लगाया क्या हुआ है कि फ्लेक्स इतना कंट्रोल हो रखा है? लगाने की चीज तो इसमें एक एक पॉइंट पे काफी फोकस किया हुआ है. जी, डैम्पिंग तो कॉमन चीज है ही. डैम्पिंग के अलावा और भी काफी चीज होती है, फॉर्म वगैरह और सेंटर पिलर लगाया हुआ है इसमें विंडशील्ड के फ्लेक्स को रोकने के लिए. सेंटर पोल में आपको एक बार दिखाना चाहूंगा. लेट्स मूव. ये सेंटर पिलर है जो कि बैक साइड से कनेक्ट है और ये मूव होने से बचाता है गाड़ी की विंडशील्ड को. अगर ये मैं नहीं लगाता तो इसका जो विंडशील्ड है ये क्रैक हो जाता. सभी SPL हैवी SPL सेटअप में ये लगाना जरूरी है. अगर नहीं लगता तो विंडशील्ड क्रैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते. सो वी क्लेम इट, इट इज द लाउडेस्ट लीवा इन इंडिया. अगर आपने कोई ऐसी लीवा इससे लाउड देखी है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अच्छी लगे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. कुछ क्वेरी है कमेंट में जरूर पूछें. एंड दिस वॉज द सिक्स्थ ऑर्डर लीवा, द लाउडेस्ट इन इंडिया, एंड वी आर लिमिटलेस रेंजर्स. Please like, share and subscribe my video, guys.